हाय फ्रेंड्स, दिव्या पाइप्स एंड फिटिंग्स के पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। ये हमारे साथ समीर व्यास है, जो दिव्या पाइप्स एंड फिटिंग्स के मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है। आज हम इनसे बात करेंगे, दिव्या पाइप्स एंड फिटिंग्स के बारे में जानेंगे और इन्होंने क्या नए काम चालू किए हैं वो जानेंगे। तो समीर व्यास जी, दिव्या इंडस्ट्रीज के बारे में आप विजिटर्स को कुछ बताइए। नमस्कार, मैं समीर व्यास, दिव्या पाइप्स एंड फिटिंग्स है। 2019 में हमने काम चालू किया। पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी पाइप्स और फिटिंग से हमने पूरा काम चालू किया। और सबसे पहले तो हम एक छोटी सी प्रोडक्ट से हमने पूरा काम चालू किया था, और सॉल्वेंट, पीवीसी सॉल्वेंट आता है, वहाँ से हमने पूरा प्रोडक्ट का काम चालू किया। और अभी तो बहुत ही अच्छी तरीके से पाइप, पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी पाइप फिटिंग सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और पानी की टंकी भी हम देते हैं। तो समीर व्यास जी, अगला सवाल है कि किस प्रोडक्ट और किस तरीके से बिजनेस आपने चालू किया, ये जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले 2019 में हमने काम चालू किया, और बहुत ही छोटे लेवल पे ये काम चालू किया था। और आप सभी को, हमारे व्यूअर्स को भी मालूम है कि पीवीसी सॉल्वेंट आता है, जैसे पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी तीनों तरीके का सॉल्वेंट्स आता है। तो वो सॉल्यूशन जो आता है पाइप और फिटिंग्स को चिपकाने का, बीच में जो सॉल्यूशंस आता है, वहाँ से हमने, उसका ट्रेडिंग से हमने काम चालू किया था। और वहाँ से लेके वो डब्बा में पैक करके, वो ही डब्बे को ही आगे सप्लाई करके, वहाँ से फिर यूपीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप और उसके साथ साथ में पीवीसी पाइप, ऐसा करके हम पहले पाइप की रेंज में आगे बढ़े और फिर धीरे धीरे करके फिटिंग्स में हम आगे गए। तो इस हिसाब से अभी यूपीवीसी, सीपीवीसी, पीवीसी पाइप्स भी आ गए, उसके बाद उसके सारे फिटिंग्स भी आ गए, एसडब्ल्यूआर भी आ गए, और लोकल जो खेत में लगाते हैं वो सारे पाइप्स भी आ गए, उसके साथ साथ उसकी एसडब्ल्यूआर की फिटिंग भी आ गई और नॉर्मल फिटिंग भी आ गई। फिर थोड़े टाइम में हम लोगों ने पानी की टंकी, जो पानी की टंकी वगैरह आता है, रोटो और ब्लो दोनों मॉडल में पानी की टंकी हमने काम चालू किया। और 500 लीटर, 300 लीटर, 300 लीटर से चालू करके 2000 लीटर तक हम पानी की टंकी सप्लाई करना चालू किया 2020 से। लॉकडाउन के टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी दिव्या पाइप्स और फिटिंग कभी बंद नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट कंपनी के लिए भी हमारा रहा और आगे भी बढ़ा। और अभी हमारी कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। तो अगला सवाल है कि आपने जो ये नया शुरू किया है प्रोडक्ट लाइन या रेंज में, तो उसके बारे में हमको कुछ बताइए। अभी तक हमने, है ना, प्रोडक्ट सेलिंग में ही काम किया है, और कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके एंड यूजर तक हम पहुंचाने का ये हमारा काम था, लेकिन अभी हम सर्विस में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सर्विस का मतलब प्लम्बर सर्विस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम जो भी मटेरियल बनाते हैं उसके साथ साथ जो प्लम्बर है वो मटेरियल वगैरह का फिटिंग करता है, और जिस जो मकान मालिक है उसके घर में ये सारा मटेरियल लगता है। तो हमने ऐसा देखा है कि कभी कभी हमारे को नीड आई है ऐसी कि भाई आपका मटेरियल तो बहुत अच्छा है, मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमको मटेरियल मिल भी जाता है। प्लम्बर का भी ऐसा होता है, मकान मालिक का भी ऐसा होता है, लेकिन टाइम पे कोई मटेरियल फिक्स करने, मटेरियल लगाने के लिए नहीं आता है, या फिर बहुत टाइम लगता है, या कॉस्ट लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है प्लम्बर का। तो हमने एक वन पॉइंट सॉल्यूशन बनाया कि हम ही प्लम्बर को अपॉइंट करके हम ही वो जो मकान मालिक की नीड है वो फुलफिल करें, हम ही उसको मटेरियल भी दें, हम प्लम्बर भी प्रोवाइड करें, और उस मकान मालिक का काम खत्म करें। अब अगला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये विचार आपके दिमाग में आया कैसे? हमने ये जो काम चालू करने का सोचा, उसके पीछे दो तीन अलग अलग रीजन है जिसके कारण हमने ये काम चालू करने का सोचा था। सबसे पहले तो मार्केट से हमको ऐसा फीडबैक मिला, और हमने ऐसे इंसिडेंसेस भी देखे कि जो मकान मालिक वगैरह है उसको प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की उस टाइम पे नहीं मिलती थी, या फिर अच्छे प्लम्बर, ऐसे स्किल्ड प्लम्बर नहीं मिलते थे। अभी कोई प्लम्बर को वो बुलाते थे तो 3-4 दिन बाद आएंगे, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, ये सब बहुत प्रॉब्लम रहता था। उसके बाद प्लम्बर आ भी जाए तो प्लम्बर पूरा जो एस्टिमेट उसका बताता है तो वो एस्टिमेट भी बराबर नहीं होता था, कि भाई 10,000 का एस्टिमेट बताया है और 15-20 हज़ार रुपये लग गए हैं।
तो वो भी ठीक नहीं है। फिर वो कोई भी कंपनी का मटेरियल लगा देता है, वो कंपनी की ब्रांड वैल्यू वगैरह नहीं देखता है, और किसी भी कंपनी का मटेरियल लगा के फिर पीछे से वो मेंटेनेंस आए, वैसा प्रॉब्लम होता था। तो ये सारा जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होता था वो हमारे पास भी आए, और वो हमने फेस करने के लिए ही वो एक सॉल्यूशन के रूप में हमने ये देखा कि जो मकान मालिक है उसको भी हम अच्छे से अच्छा काम करके दे, प्लस प्लम्बर को एम्प्लॉयमेंट मिले, प्लम्बर जो है उसको काम मिलेगा तो प्लम्बर भी खुश रहेगा, मकान मालिक का काम अच्छे से होगा तो मकान मालिक भी खुश रहेगा, और अगर प्लम्बर का काम भी अच्छा होता है, मकान मालिक का काम भी अच्छा ही होता है तो सब लोगों के लिए अच्छा रहता है। तो ये मेन चीज को हमने फोकस करके ही ये काम चालू करने का सोचा। तो आगे हम फिर ये पूछना चाहेंगे कि कस्टमर्स को इसमें इससे क्या फायदा होगा? देखिए, तीन चार अलग अलग है उसपे पॉइंट्स है जिसके ऊपर से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कस्टमर्स को इसका क्या फायदा होगा। सबसे पहले कस्टमर एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ेगा जिसका ब्रांड वैल्यू है, मार्केट में सब लोगों को मालूम है दिव्या पाइप्स और फिटिंग के बारे में, और वही कंपनी आपको सर्विस दे रही है तो उसकी कुछ जवाबदेही होती है इस सर्विस के बारे में। तो आपको फ्यूचर में भी कभी भी कोई भी दिक्कत जब पड़ेगी तो आप वो कस्टमर जो भी आप कंपनी के साथ टाई अप किया है या जो भी कंपनी के साथ आपने काम करवाया है तो उसका नंबर वगैरह भी आपके पास रहेगा। तो मैं इन फ्यूचर अभी आपको कोई प्रॉब्लम पड़ता है तो आप सीधा वो कंपनी में फोन करके भी बात कर सकते हैं। प्लस आपको ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, प्लस आपको ऐसा प्लम्बर काम करने के लिए आएगा जो वेरीफाइड होगा। हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह है जिससे हम अच्छा प्लम्बर ढूंढ के आपको देंगे। तो ये अगर प्लम्बर अच्छा मिलता है, प्रोडक्ट अच्छी मिलती है और नीट एंड क्लीन काम होता है, जो प्लम्बर आएगा आपके उधर काम करने के लिए उसका एस्टिमेशन वगैरह भी आप आगे बात करेंगे तो वो भी नीट एंड क्लीन तरीके से आपको देगा, प्लस आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी, टाइम टू टाइम आपका काम होगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे टाइम में होगा, तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी आपको आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा और आपको आगे सुविधा मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये दो तीन ऐसे पॉइंट्स है जिसके कारण जो आपको काम की सेटिस्फेक्शन है वो बहुत अच्छा कस्टमर को मिलेगा। तो अब आगे ये भी बता दीजिए कि इसमें प्लम्बर्स का क्या क्या फायदा होगा? प्लम्बर की जहां तक बात है तो जब से हमने काम का ये दिव्या पाइप्स एंड फिटिंग का चालू किया है तो प्लम्बर ही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है हमारे लिए, और हम प्लम्बर को परिवार का हमारा सदस्य मानते हैं, और प्लम्बर को अच्छी से अच्छा काम मिलता रहे उसके लिए भी हम काम करते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि वीक में तीन या चार काम उसको मिलते हैं, तो उसको कैसे किस तरीके से ज्यादा काम मिले, अगर वो स्किल प्लम्बर है तो हम कैसे कि ज्यादा से ज्यादा उसको काम दे सकें उसके बारे में सोचते हैं। और अगर उसको कुछ चीज में दिक्कत आती है, पेमेंट इश्यू भी बहुत सारे प्लम्बर्स को होते हैं, तो वो हम एक बार ध्यान रखते हैं कि भाई जो हमारी सर्विस में प्लम्बर काम करता है तो उसको पेमेंट का भी इशू ना हो, प्लस उसको अगर कुछ चीज नहीं आती है या वो गलत तरीके से कुछ चीज लगाता है या कोई भी उसको दूसरा प्रॉब्लम आता है तो हम प्लम्बर मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं, और वो प्लम्बर मीटिंग में वो प्लम्बर को पर्टिकुलर सिखाते भी है कि किस तरीके से हम काम करने का होता है। तो प्लम्बरों का काम अच्छी से अच्छा उसको मिले और वो अच्छे से अच्छे काम कर सके आगे, और पेमेंट का भी कोई प्रॉब्लम उसको ना आए, तो ये तीन पॉइंट्स को लेके हम प्लम्बरों को हेल्प करते हैं। तो आपके पास में इंक्वायरी आने के बाद कस्टमर की, तो आप कोटेशन वगैरह कैसे देते हैं? और आपको कोई कस्टमर कांटेक्ट करे उसके बाद वो इंक्वायरी का और कस्टमर के साथ किस तरीके से आगे आप बढ़ते हैं वो भी जरा उनको बताइए। कोई भी कस्टमर है जिसको दिव्या पाइप्स और फिटिंग की तरफ से सर्विस चाहिए तो divyaproducts.in हमारी वेबसाइट है, उसके अलावा मेरा जो ऑफिस का नंबर है 8160523451, ये जो नंबर है उसके ऊपर आप कांटेक्ट करेंगे। जैसे ही आपका कांटेक्ट हमारे तरफ से होगा, हमारा जो साइट इंजीनियर है वो विद इन वन डे आपके पास आएगा, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरीके से समझेगा और वो सारा रिपोर्ट लेके ऑफिस आएगा। ऑफिस में हम अच्छी तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो एस्टिमेट बनता है, क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो सारा हम व्यवस्थित उसका एस्टिमेट बनाएंगे, कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा, कौन प्लम्बर ये काम करेगा,
ये सारा हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे और फिर वो जो साइट इंजीनियर है वो आपके पास आएगा, आपको ये सारा समझाएगा और वहाँ पे हमारी डील फाइनल होगी और इस हिसाब से हम पूरा काम करने वाले हैं। ये सब बात सुन के ऐसा लगता है कि ये बहुत स्किल काम है, तो आप आपके एजुकेशन के बारे में और एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा हमको बताइए। मेरे एजुकेशन की अगर जहाँ तक बात है, 11th 12th साइंस मैंने भावनगर, मैं बेसिकली भावनगर से हूँ, गुजरात में भावनगर करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से हूँ। वहाँ पे 11th 12th साइंस मैंने भावनगर में ही किया, प्लस जो डिग्री इंजीनियरिंग है वो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहा, और उसके बाद मैंने मास्टर्स एमटेक जो है वो राजकोट आत्मीय करके कॉलेज है, वहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी आत्मीय कॉलेज में से किया। तो पूरा इंजीनियरिंग का मैंने अभ्यास किया हुआ है और 2017 से ही मैं ये प्रोडक्शन लाइन में ही काम कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस अभी पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स में भी है और ये इंजीनियरिंग साइड भी काम करता हूँ। तो उस हिसाब से सब दोनों चीज़ में, बिजनेस में और इंजीनियरिंग में, दोनों में काम करते हैं। अच्छा, तो ये सब काम करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या क्या व्हीकल्स है, किस तरीके का स्टाफ है और आप कैसे ये काम करते हैं? ये पूरा जो हम काम करते हैं, शुरुआत में तो हम बहुत ही, अगर प्राइमरी लेवल से बात मैं करूँ आपको, तो बाइक से ही काम करते थे और सब जो सॉल्वेंट का डब्बा है वो बाइक से ही सब अलग अलग दुकानों में जाके बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारा काम बढ़ा तो हमने दूसरी व्हीकल्स जो वहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स है उसके साथ टाइप किया और उसकी गाड़ी में हम मटेरियल लेके जाते थे। अभी हमारे पास खुद की गाड़ी है टाटा एस की, सीएनजी वाली, जिसके कारण क्या है कि आने जाने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण हम 200-250 किलोमीटर तक हम एक दिन में जाके आ सकते हैं, ऐसा हम हमारे पास अभी सुविधा है, जिसके कारण हम बहुत ही अच्छी तरीके से मटेरियल को भी हम पहुँचा सकते हैं और सर्विस में भी हम यही काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्लस हम अगर मैन पावर की बात करें तो अभी हमारे पास 5 लोगों का स्टाफ है, वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव भी है, डिलीवरी बॉय भी है, ड्राइवर्स भी है और सब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आप कौन से एरिया को कवर करेंगे? आपने बताया आप शिरोई बेस्ड है और वहां से आप आगे करने वाले, तो किन किन एरियाओं को आप केटर करेंगे या कहाँ कहाँ तक आप पहुंचेंगे? हमने शुरुआत शिरोई डिस्ट्रिक्ट में सिद्धरथ करके गांव है, सब अपने व्यूअर्स को तो सबको मालूम ही होगा, सिद्धरथ करके गांव है, वहां से शुरुआत की थी और धीरे धीरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सारे जो तहसील है, रेवदर है, रेवदर से मंडार तक का पूरा एरिया आपको शायद मालूम ही होगा, उसके बाद आबू रोड का एरिया, पिंडवाड़ा का एरिया और इस तरफ अगर अगर आगे हम जाते हैं तो शिवगंज सुमेरपुर, ये पूरा एरिया में शुरुआत में हमने काम किया। फिर धीरे धीरे जैसे ही हमको एक्सपोजर मिला और हमको आगे रिक्वायरमेंट मिली तो हम झालोर डिस्ट्रिक्ट में भी काम किया। इधर गुजरात की साइड अगर हम बात करें तो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में भी हम काम करते हैं और ऊपर अगर बात करें हम तो पाली डिस्ट्रिक्ट में भी हम काम करते हैं, तो आसपास के 2-3 डिस्ट्रिक्ट में भी काम करते हैं और सिरोही डिस्ट्रिक्ट बेस हमारा बेस है, तो वहाँ पे तो सारे गाँव में लगभग हम कवर किया है और सारे आसपास के गाँव में काम करते हैं। तो आप क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है, जिस तरीके का काम आदमी के या जो हाउस ओनर है या बिल्डिंग ओनर है उनको जो क्वालिटी का काम मिलेगा जिस टाइम में या जिस कमिटमेंट के साथ काम मिलेगा, वो आप कैसे मेंटेन करेंगे वो भी जरा आप बताइए। देखिए, जो क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं तो क्वालिटी 3-4 अलग अलग पॉइंट्स है जिसको हम करेक्ट करके किस तरीके से हमारी सर्विस अच्छे से अच्छे दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात आती है मटेरियल। मटेरियल हम खुद का अपना ही यूज़ करेंगे, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल हम देने की कोशिश करते हैं। मटेरियल की पूरी जिम्मेदारी, गारंटी, वारंटी, जो भी आप बोले वो कंपनी की होती है। प्लस स्किल्ड प्लम्बर हम प्रोवाइड करेंगे। स्किल्ड प्लम्बर हम कैसे फाइनलाइज करते हैं कि ये प्लम्बर स्किल्ड है या ये प्लम्बर नहीं स्किल्ड है, तो उसके लिए भी हमने 2-3 ऐसे पैरामीटर बनाए हैं कि उसको जो प्लम्बर है जो हम चूज करते हैं उसको वो काम आता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसने वो काम कहाँ कहाँ पे किया हुआ है। हमारा जो फील्ड एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो
प्रोडक्ट हमारी पाइप फिटिंग वगैरह अलग अलग गांवों में पहुंचाते हैं, उसके साथ भी उसका एक बार कांटेक्ट करवाते हैं, उसने कहाँ काम किया है वहां पे वो चेक करने के लिए भी जाते हैं। और ये सारा एक बार निचोड़ लेके हमको वो प्लम्बर सिलेक्शन करते हैं। वो प्लम्बर को अच्छे से अच्छे काम करना आना चाहिए, वो हमारी सुप्रीम प्रायोरिटी रहती है। और ये सारा लेके जब हम काम करते हैं तो वो काम नीट एंड क्लीन होता है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव होता है और कम समय में ये पूरा काम हो जाएगा। तो क्वालिटी के बारे में ये सबसे बेस्ट वस्तु है। ये काफी बढ़िया रहा, सारी जानकारी आपने दी। अभी आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो लास्ट में मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि 2019 से 2024 मतलब 5 साल आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सपोर्ट किया है। कोई भी सिचुएशन आई है, लॉकडाउन आया है या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आया है, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको सपोर्ट किया है। ये हमारा एक नया काम चालू हो रहा है और बहुत ही अच्छी सर्विस देने की हम क्षमता भी रखते हैं और हम आशा भी करते हैं कि हम बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोगों को देंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े और अच्छी ये हमारी जो सर्विस है उसका लाभ लें। थैंक यू।